हाय गाइज आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अनकोटेड टैबलेट पहले लेक्चर में हमने देखा था टैबलेट टैबलेट टाइप्स ऑफ टैबलेट एडवांटेज ये सारा हमने डिस्कस किया था तो आज हम डिस्कस करते हैं अनकोटेड टैबलेट अनकोटेड टैबलेट क्या आता है कोटेड टैबलेट और अनकोटेड टैबलेट कोटेड टैबलेट में क्या आता है कोटिंग इज प्रेजेंट होती है और अनकोटेड में कोटिंग इज नॉट प्रेजेंट सो कोटिंग इज प्रेजेंट में टू टाइप की कोटिंग होती है शुगर कोटिंग और एंट्रिंग कोटिंग सो द अनकोटेड टैबलेट फार्मुलेशन कॉम्प्राइजेस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स एंड एक्सीपिय जो अनकोटेड टैबलेट होते हैं उसमें फार्मुलेशन कॉम्प्राइजेस होता है मिक्सचर ऑफ ड्रग एंड एक्सीपियंट टैबलेट इज यूजली कंपोज ऑफ फाइव परसेंटेज टू टेन परसेंटेज ऑफ ड्रग एंड एटी परसेंटेज ऑफ एक्सीपेंट एंड आयर कंपाउंड विच एंश्योर ऑफ इजी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट इन द स्टमक और इंटेस्टाइन ये क्या होता है स्टमक और इंटेस्टाइन में टैबलेट डिसइंटीग्रेशन होती है जल्दी से अब देखते हैं हम प्रोसेसिंग ऑफ अनकोटेड टैबलेट सो ड्रग इन पाउडर फॉर्म होता है बाद में उसको ग्रेनुल्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद टैबलेट बनती है सो नेक्स्ट है कॉम्प्रेशन कंप्रेशन में क्या आता है डायरेक्ट कंप्रेशन और कॉम्प्रेशन आफ्टर ग्रेनुलेशन सो डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में क्या आता है ड्रग्स प्लस एंड टैबलेट और कॉम्प्रेशन आफ्टर ग्रेनुलेशन में क्या आता है ड्रग्स प्लस एक्सीपिय प्लस ग्रेनुल्स प्लस टैबलेट सो नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट कॉम्प्रेशन इज अ प्रोसेस फॉर अ फॉर्मिंग टैबलेट बाय डायरेक्टली कॉम्प्रेसिंग द पाउडर मटेरियल ऑफ ड्रग्स विथ सुटेबल एक्सिपियंट द सब्सटेंस विच आर अ क्रिस्टलाइन हैविंग फ्री फ्लोइंग नेचर एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी

बाद में आता है आफ्टर मिलिंग द विंग एंड मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट टेक्स प्लेस नेक्स्ट देन द मिक्स इंग्रेडिएंट्स आर डायरेक्टली कॉम्प्रेस इनटू फॉर्म टैबलेट विद द हेल्प ऑफ द टैबलेट पंचिंग मशीन और इसके एडवांटेजेस है डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड इज इकोनॉमिकली ड्यू टू लेस लेबर रिक्वायरमेंट मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव सब्सटेंस कैन बी कॉम्प्रेस इंटू टैबलेट बाय दिस मेथड next is, stability of tablet is improved particle size uniformly is obtained disadvantages are eh? the drugs which not have compressibility properly cannot be compressed into tablet some excipients are costly which may increase the cost of tablet color are not distributed properly in the tablet